सुखबीर सिंह बादल नूं पंथ चो छेकण दी उठी मंग। पंथ विचों छेकना चाहिए, इहो जे सिख जिहड़े ने उह पंथ दे दोषी ने। इंटरनेशनल सिख कौंसल ट्रस्ट ने कीती मंग। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेदबी, वैबल कलां दी गोली कांड। बीबी तरविंदर कौर खालसा ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं सौंपिया मंग पत्र। इंटरनेशनल सिख कौंसल ट्रस्ट के प्रधान बीबी तरविंदर कौर खालसा वालों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं एक मंग पत्र दिंदिया श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, बैबल कला गोली कांड, गुरु साहबान की पोशाक वर्गी पोशाक, डेरा सिरसा मुखी राम रहीम दे पौण ते श्री अकाल तख्त साहब तो माफ़ी दवाउण वर्गे मामलों नूं लैके सुखबीर सिंह बादल नूं पंथ चों छेकण दी मंग कीती है। जिस संबंधी गलबात करदिआं बीबी तरविंदर कौर खालसा ने दस्सिया कि श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहब नूं इह मंग पत्र दिंदिआं उह आस करदे ने कि सिखां दी सुप्रीम कोर्ट ते पंथ दी नुमाइंदगी करदे जथेदार साहब पंथ विरोधी ताकतां दे साथ देण वाले इन्हां शख्सीयतां दे कारवाई जरूर करनगे ते इन्हां नूं पंथ चों छेकणगे। मैं इस दे विच मैं इंटरनेशनल सिख कौंसल वालों मुख्य सेवादार बीबी तरविंदर कौर खालसा अज मंग पत्र लै करके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को आए हाँ कि बई इस दे विच जिहड़ा अकाली दल प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल उन्होंने सिख सिद्धांतों तो बहुत ही परे उठ करके सिखी मर्यादा नूं घाण करदे होए ये जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी, वैबल कलां की गोली कांड और सिरसा डेरा की माफ़ी और एक होर नवां जिहड़ा मसला उठ के आया कि उन्होंने गुरु साहब की पोशाक की तोहीम करते हुए उसकी कॉपी करके डेरा सिरसा नूं जिहड़ी दित्ती है वो बहुत ही वड्डी मंदभागी गल है जिसनों संगतां दे हिरदे नूं बुलंद रहा उसनों मद्देनज़र रखते हुए मैं अज ये मंग पत्र करन आई हाँ कि सिंह साहब तो बड़ी वड्डी उम्मीद है सानू अकाल तख्त साहब ते फरियाद है कि पंथ विचों छेकना चाहिए इहो जे सिख जिहड़े ने वो पंथ दे दोषी ने और इन्हां दी जांच पड़ताल जल्दी तो जल्दी करके इन्हां नूं दोष दे करके इन्हां दी सज़ा जिहड़ी है वो देनी चाहिए है और मेरी मंग जिहड़ी है वो पंथ तो छेकण। अकाली दल दे प्रधान जिहड़े श्रोमणी कमेटी दे नुमाइंदे चुने जांदे ने की लगदा वी ओह इंसाफ करनगे जां सजावां दे? देखो जी ये पुकार आपने इंटरनेशनल सिख कौंसल वालों असी हुण दित्ती है और सानू उम्मीद है और असी बहुत वड्डी उम्मीद लै करके अकाल तख्त साहब ते आने और बई इत्थे जिहड़ी भी साडा आवाज़ है वो सिखां दी सुनी जांदी है। ये सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के अंदर साडा बन आण दा भी हक बनदा और अपनी गल रखण दा भी। सो इस दा हुण अगे की फैसला हुंदा वो समा दसेगा, असी अपनी फरियाद जिहड़ी उह रख दित्ती है। देखो सानू पूर्ण तौर पर आस है क्योंकि असी अपने अकाल तख्त को समर्पित हाँ, साड़ी सुप्रीम कोर्ट के अपना बयान जड़ा रख दिता है और जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी बहुत सूझवान ने और अगे भी एक मसला जड़ा मैं लैके आई सी वो भी उन्होंने जरूर हल किया, हुण भी उम्मीद रखती हाँ कि वो इस मसले नूं जरूर हल करनगे। आस और उम्मीद लै करके आया गुरु पातशाह करनगे कि उन्होंने भी सिर ते मेहर भरिया हथ रखन के फैसला जड़ा है पंथ के हितों कर सकन।